आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT पेपर फर्स्ट का ये एक यूनिट है। ये जो लेक्चर है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। हमारा पहला MCQ है ICT स्टैंड्स फॉर। ICT का मतलब क्या है? आप चार ऑप्शन को देखिए, सही आंसर क्या होगा ये बताइए। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, ICT का जो फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यही हमारी यूनिट का नाम भी है। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पूछी है, बताइए ऑप्शन देख के। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफर्स टू द यूज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरेज, रिट्राइवल, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी काइंड्स। ये इसका राइट डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। MCQ नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो टर्म एज मल्टीमीडिया एजुकेशन। निम्नलिखित में इसे किससे मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए और बताइए। देखते हैं क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए, ICT सपोर्टेड एजुकेशन को मल्टीमीडिया एजुकेशन भी कहते हैं। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं डिटेल से। ICT एजुकेशन, देखो जब गवर्नमेंट ICT को हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी कॉलेज में इम्प्लीमेंट करेगी तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी उसको ट्रेन करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी चीज़ को, मैन पावर को अचीव करने के लिए ICT एजुकेशन दी जाती है। दूसरा है ICT सपोर्टेड एजुकेशन। ICT सपोर्टेड यानी अगर आप क्लास में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का यूज़ कर रहे हो, प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हो, तो वो सभी ICT सपोर्टेड एजुकेशन हो गई। ICT इनेबल्ड एजुकेशन क्या हो गई? अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो या कोई साइट के माध्यम से पढ़ रहे हो जहां पूरी कंप्लीट रूप से ICT का उपयोग हो रहा है, तो वो ICT इनेबल्ड एजुकेशन कहलाएगी। हिंदी के लिए आप यहाँ देख सकते हो। MCQ नंबर फोर, CBT स्टैंड्स फॉर। CBT का मीनिंग क्या है हमको बताना है। इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण को ही CBT कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव इम्पोर्टेंट है। NPTEL स्टैंड फॉर, नेपटेल का मतलब क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। देखते हैं आंसर। ऑप्शन ए, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, इसका फुल फॉर्म है। डिटेल से पढ़ लेते हैं इसको। ये जो हमारी 7 IITs हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी एंड रुड़की, इसके अलावा जो IISc बेंगलोर है, उन्होंने मिलकर 2003 में इसको शुरू किया था। इसके दो फेज हैं। एक तो था 2003 से 2008 तक जो फेज फर्स्ट कहलाएगा, 2009 से 2014 तक ये फेज सेकंड था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द इरनेट स्टैंड फॉर। इरनेट का मीनिंग क्या है या उसकी फुल फॉर्म क्या है बताइए।
देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, ये इनेट का फुल फॉर्म है। डिटेल से पढ़ लेते हैं इसको। इरनेट को 1986 में शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? जो हमारी एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनको वर्ल्ड क्लास रिलायबल नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए। डेट याद रखना 1986। नेक्स्ट एमसीक्यू, द बिगेस्ट न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया इज, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए सही कौन सा होगा। देखते हैं। ऑप्शन ए पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। डिटेल से पढ़ते हैं इसको। ये 1947 में शुरू की गई थी लेकिन अपना काम 1949 में इसने स्टार्ट किया था। नॉन प्रॉफिट शेयरिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ये, कोई प्रॉफिट नहीं होता है इसे जुड़ने के लिए, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड अनबायस्ड न्यूज़ टू ऑल द सब्सक्राइबर्स। हिंदी के लिए यहाँ देख सकते हो, ईयर ध्यान रखना और ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना। ये PYQ है, आया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फोर डायमेंशन ऑफ ICT? निम्नलिखित में से कौन ICT के चार बुनियादी आयामों में शामिल नहीं है? चारों ऑप्शन को देखिए, सही क्या होगा ये बताइए। देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। एटीट्यूड कोई डायमेंशन नहीं है ICT का, बाकी जो स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल, ये सब इसके डायमेंशन है। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड बाय IIT कानपुर। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा IIT कानपुर ने डेवलप किया है? देखते हैं इसका आंसर। सी बृहस्पति, जो ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसको IIT कानपुर ने डेवलप किया है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ई ज्ञान कोर्स, बहुत सारे लोग इसको अच्छी तरीके से जानते हैं, ये एक इग्नू के द्वारा लॉन्च किया गया रिपोजिटरी है जहां पे डाटा स्टोर किया जाता है। 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। ईयर को ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इग्नू का लगभग 95% मटेरियल आपको ई ज्ञान कोर्स पे मिल जाएगा और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट नोट्स अगर किसी के हैं तो इग्नू के हैं। नेक्स्ट है ई सरस्वती। ई सरस्वती एक प्लेटफॉर्म है कॉलेज का, स्कूल्स का, पेरेंट्स, टीचर्स, मैनेजमेंट, इन सब को मिलाकर ई सरस्वती एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सभी लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट की लर्निंग को भी मैनेज किया जा सकता है और उसकी लर्निंग को असेसमेंट भी किया जा सकता है। बृहस्पति ये IIT कानपुर द्वारा डेवलप किया गया एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हिंदी के लिए आप यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट MCQ पढ़िए, एक MCQ को ऑप्शन देखिए, क्या इसका एग्जाम्पल सही हो सकता है बताइए। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए टाइम शिफ्टिंग कहेंगे। अगर कोई भी हम रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो उसको हम टाइम शिफ्टिंग कहेंगे, अगर हम लाइव देखते हैं तो वो टाइम शिफ्टिंग नहीं होगा। जैसे मैंने ये रिकॉर्ड आज किया है, आप इसको कल देखोगे या उसके बाद देखोगे तो ये टाइम शिफ्टिंग हो गया, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आप इसको नहीं देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन चैलेंजेज इन ICT एडॉप्शन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। भारत के विश्वविद्यालयों में अगर आप ICT को लागू करना चाहो तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी ये बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन को देखिए, बताइए क्या होगा।
देखते हैं आंसर इसका डी, ये सभी प्रॉब्लम्स आएगी अगर आप आईसीटी को लागू करे हुए इंडियन यूनिवर्सिटी में। क्या टेक्नोलॉजी के लिए वो लोग रेडी नहीं होंगे, पुराने ख्यालों के होंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा। दूसरा, लैंग्विस्टिक बैरियर भी आएगा। आपको पता है हमारे भारत में हर ज़िले में हर तहसील के बाद लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा, तो लैंग्विस्टिक बैरियर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आईसीटी के एडॉप्शन में। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन। अगर आपको भारत में हायर एजुकेशन को बढ़ाना है तो कौन कौन से पैरामीटर काम आएंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी, एक्सेस, इक्विटी, रिसोर्सेज, तीनों की जरूरत पड़ेगी हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, TKDL स्टैंड्स फॉर, TKDL का मीनिंग क्या है ये बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही होगा ये बताना है हमको। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिसकी फुल फॉर्म है। डिटेल से पढ़ लेते हैं इसके बारे में हम। ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो हमारा पुराना नॉलेज है हमारे भारत का। हमको पता है हमारा भारत पुराने समय में ज्ञान का भंडार था, उसी नॉलेज को स्टोर करने के लिए TKDL की स्थापना की गई थी 2001 में। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट द एंशियंट एंड ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द कंट्री, स्पेशली जो मेडिकल लाइन का नॉलेज है उसको स्टोर करने के लिए TKDL को बनाया गया है। फुल फॉर्म ध्यान रखना, ईयर ध्यान रखना, किस किस ने मिलकर बनाया ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज सिग्नल्स अकरिंग एट द सेम टाइम इज डिनोटेड बाय। अगर आप किसी मैसेज को भेज रहे हो और जिसको भेज रहे हो वो भी उसी टाइम अवेलेबल हो तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन को देखिए, समझिए और आंसर दीजिए। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, अगर दोनों सेम टाइम पे अवेलेबल हो तो उसको कहेंगे सिंक्रोनाइज, अगर सेम टाइम पे अवेलेबल नहीं हो तो कहेंगे ए सिंक्रोनाइज। डिटेल से देख लेते हैं, सेम टाइम पे अवेलेबल होंगे तो क्या कहेंगे सिंक्रोनाइज, अगर डिफरेंट टाइम पे अवेलेबल होंगे तो ए सिंक्रोनाइज। ध्यान रखना दोनों में लोकेशन अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, दोनों का तो नहीं हो सकता, या तो सिंक्रोनाइज का होगा या एसिंक्रोनाइज का होगा। देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए सिंक्रोनाइज। देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या हुई, जब बोल रहा है उसको सुनने वाला है तभी तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे। आप न्यूज़ में देखते होंगे प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, यानी सामने उसके मीडिया के लोग बैठे हैं उनसे वो बात कर रहे हैं, इसको ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे। दोनों व्यक्ति, बात करने वाला और बात सुनने वाला, दोनों सेम टाइम पे अवेलेबल है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन थ्रू सिडीज। अगर सीडी के माध्यम से एजुकेशन दे रहे हो, यानी सीडी यानी रिकॉर्डेड एजुकेशन दे रहे हो आप, रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, तो उसको क्या कहोगे। देखिए ऑप्शन को, बताइए क्या होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एसिंक्रोनाइज। देखो रिकॉर्डिंग में क्या होता है, दोनों सेम टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं, देखने वाला अपने सुविधा के अनुसार कभी भी उसको देख सकता है, इसको हम एसिंक्रोनाइज कहेंगे। अगर यहाँ पे लाइव की बात होती तो इसको क्या कहेंगे सिंक्रोनाइज। नेक्स्ट एमसीक्यू, डिजिटल डिवाइड इज द टर्म यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इन यूज ऑफ आईटी आईसीटी।
डिजिटल डिवाइड आईसीटी के उपयोग में विभेदन के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द है, यानी डिजिटल डिवाइड का मीनिंग क्या है ये बताना हमको। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सी बोथ ए एंड बी। देखो डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि एक एरिया में तो आईसीटी अवेलेबल है, यानी वहाँ पे नेटवर्क है, अच्छा नेट कनेक्टिविटी है, ठीक है। एक एरिया ऐसा है जहाँ पे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, नेटवर्क नहीं है, डाटा नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो ये डिवाइड हो गया ना, इसी को कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ये डेवलप और डेवलपिंग कंट्री में भी मिलेगा, और अर्बन और रूरल, शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में मिलेगा, तो दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू। इन द हाइपर मीडिया डाटाबेस इंफॉर्मेशन बिट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। हाइपर मीडिया डाटाबेस में सूचना बिट्स के रूप में संग्रहित किए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए डाटाबेस, जो हाइपर मीडिया डाटाबेस है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सिग्नल्स के रूप में स्टोर की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। ऐसी केबल के बारे में बताना है जिसकी कैपेसिटी हाईएस्ट हो और माइक्रोवेव में उसको यूज किया जाता हो। तो ब्रॉडबैंड का नाम हमने खूब सुना होगा, ब्रॉडबैंड में बहुत अच्छा नेटवर्क होता है, और जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से ये इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन देखिए, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी स्ट्रेप। स्ट्रेप क्या होता है मैं आपको एक फोटो के माध्यम से बताता हूँ। देखो इसको हम स्ट्रेप कहते हैं, आप इसको बहुत जगह देखते होंगे, ब्रिज के पास मिल जाएगा आपको, या मेट्रो के जो पिलर होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये एक एलसीडी स्क्रीन टाइप होता है जिसपे एड वगैरह चलते रहते हैं, तो इसको कहते हैं स्ट्रेप। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। 21 द कंसेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम। कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा ली गई है। ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर बताइए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। ये जो कंसेप्ट है ये वैल्यू एडेड नेटवर्क से लिया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़िए क्वेश्चन को, ऑप्शन देखिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी सर्वेलाइंस, निगरानी। अगर आप किसी सामाजिक विकास को आईसीटी के माध्यम से उसको मैनेज करते हो, उसको ध्यान रखते हो इवेंट्स का, इश्यूज का, प्रोसेस का, तो उसको हम सर्वेलाइंस कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में क्या क्या शामिल है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या क्या शामिल है आईसीटी में ये बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या फिर एजुसेट के माध्यम से पढ़ रहे हो, या फिर आप वेब बेस्ड लर्निंग ले रहे हो, ये चारों ही आईसीटी के अंडर में आएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज ए कम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड। ऐसी जानकारी जो ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है, क्या कहते हैं उसको।
देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, उसको कहेंगे मल्टीमीडिया, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें फोटो भी हो, कुछ लिखा हुआ भी हो, वीडियो भी हो, साउंड भी हो, या कुछ एनिमेशन भी हो, तो हम उसको मल्टीमीडिया कहेंगे। 25, ई ज्ञान कोश के बारे में पूछा है, हमने इसको पढ़ रखा है, तो बहुत इजी एक क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा जल्दी से इसका आंसर। देखते हैं आंसर, इग्नू, ई ज्ञान कोश को इग्नू ने डेवलप किया है 2005 में, ये इग्नू का ऑनलाइन रिपोजिटरी मैकेनिज्म है। आईआईटी कानपुर से कुछ याद आया क्या आपको, जो बृहस्पति ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। ई ज्ञान कोश को पढ़ा हमने, इग्नू ने लॉन्च किया था 2005 में किया है, ये इसका डाटा स्टोर का एक मैकेनिज्म है। 95% जो इग्नू का मटेरियल है वो आपको विज्ञान कोर्स पे मिल जाएगा, हिंदी के लिए आप यहाँ देख सकते हो। 26, ये भी हमने पढ़ रखा है, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है भारत के, एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड कौन करवाता है, इन्फ्लिपनेट, यूजीसी, इरनेट या कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर देखते हैं इरनेट। इरनेट का काम यही है कि जो हमारे एकेडमिक या जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनको वर्ल्ड क्लास का नेटवर्क प्रोवाइड कराना। 1986 में इसको बनाया गया था, नेटवर्क प्रोवाइड कराना ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। 27, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखते हैं इसका क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए, ज्ञानवाणी। देखो, इग्नू आईआईटी कुछ कोर्स को तैयार करती है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, अगर उस कोर्स को एफएम रेडियो के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो वो कौन करेगा, ज्ञानवाणी, ठीक है, लेकिन अगर उस प्रोग्राम को टीवी के माध्यम से ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो उसको क्या कहेंगे, ज्ञान दर्शन। डिटेल से पढ़ लेते हैं, ज्ञान दर्शन 2000 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये इग्नू और आईआईटी दोनों का जॉइंट इफोर्ट है, दोनों ने इसको लॉन्च किया है मिलके, और जो ज्ञान दर्शन पे जो कोर्स चलते हैं वो इग्नू, यूजीसी, आईआईटी ये सब मिलकर उसको बनाते हैं अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग। ज्ञानवाणी भी ऐसा ही है, ज्ञानवाणी में एफएम रेडियो के माध्यम से उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ओनली ऑडियो हम उसका सुन सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज़ बीन वर्किंग इन द डायरेक्शन टू डेवलप ए वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तकनीकी विश्वविद्यालय विकसित करने की दिशा में कौन सा संस्था काम कर रही है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो आराम से कर पाओगे। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, देखो AICTE यही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम करता है भारत में, ठीक है, तो वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट करने का काम भी यही कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू 29, बहुत इजी एमसीक्यू है, अभी हमने दो तीन एमसीक्यू पहले ही इसको किया है, तो आप देखिए ऑप्शन को क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, नैपटेल, नैपटेल का ही ये काम है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स को प्रोवाइड कराना, उसमें हेल्प करना, स्पेशली इंजीनियरिंग में। 30, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिन असाइंड द टास्क टू डेवलप ई कंटेंट ऑफ 1996 कोर्सेज बिलोंगिंग टू इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट, इन सभी फील्ड में कोर्स को डेवलप करने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दिया गया है, ये बताना है हमको। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से हमको बताना है। आईआईटी
आईआईटी मद्रास को एक काम दिया गया है कि भाई आप जो इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटीज मैनेजमेंट है इनके ऊपर कोर्स कोड तैयार कीजिए, और लगभग इनकी संख्या कितनी है 996 कोर्स को इसको बनाने का काम दिया गया है। नेक्स्ट MCQ 31 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, ऑप्शन देखिए और इसको करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं इसका क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए टीचर्स ट्रेनिंग। देखो AVU एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचर्स को ट्रेनिंग देना। डिटेल से पढ़ लेते हैं हम इसको। देखो टॉक टू ए टीचर ये एक प्रोग्राम का नाम है जिसको डेवलप किया है IIT बॉम्बे ने, ठीक है, और किसके अंडर में किया है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ठीक है। अब इस टॉक टू ए टीचर को चलाने के लिए आपको जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी उसका नाम है AVU। इसको किसने डेवलप किया है, अमृता यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। ध्यान रखना टॉक टू ए टीचर जो प्रोग्राम है इसको डेवलप किया है IIT बॉम्बे ने, और AVU सॉफ्टवेयर है इसको डेवलप किया है अमृता यूनिवर्सिटी ने। काम क्या है, टीचर्स को ट्रेनिंग देना। हिंदी में आप यहाँ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट MCQ 32 पढ़िए, ऑप्शन देखिए क्या होगा आंसर बताइए। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, ये चारों जो ऑप्शन है इसको हम वेब 2.0 टूल्स कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQ 33 विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कैन हेल्प स्टूडेंट टू एक्सेस कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम रिमोट लोकेशंस थ्रू मोबाइल फोन्स। हम सब इसको बहुत यूज़ करते हैं, देखिए ऑप्शन क्या है उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। फेसबुक, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट फेसबुक पेज को लाइक कर रखे होंगे, वहाँ पे हमको लिंक मिलते हैं, उस लिंक पे क्लिक करके हम उस वीडियो को देख सकते हैं चाहे हमारी लोकेशन कुछ भी ही हो। तो फेसबुक है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क्स थ्रू, जो उपग्रह होता है वो किसके माध्यम से काम करता है, देखिए चारों ऑप्शन। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए ट्रांसपोंडर, इसके माध्यम से हमारे सैटेलाइट चलते हैं। देखो रडार और TV ये तो खुद सैटेलाइट के माध्यम से चलते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल इसका कोई मतलब नहीं है सैटेलाइट से, तो ट्रांसपोंडर एक ऑप्शन बच गया। नेक्स्ट MCQ 35 ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप आराम से बता दोगे इसको। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, हमको पता है कंप्यूटर में CPU होता है, मेमोरी भी होती है और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, तो ये सब मिलकर कंप्यूटर को बनाते हैं। नेक्स्ट MCQ 36 ए टाइपिकल मॉडर्न कंप्यूटर यूजेज, एक सामान्य आधुनिक कंप्यूटर उपयोग करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं किसका यूज लेटेस्ट मॉडर्न कंप्यूटर में होता है। देखते हैं आंसर। LSI चिप्स, अभी जो लेटेस्ट कंप्यूटर है उनमें LSI चिप्स का उपयोग किया जाता है। जो फर्स्ट जनरेशन के सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनमें वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह ये यूज की जाती थी। नेक्स्ट MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है ये बताना है, पढ़िए ऑप्शन को बताइए। डी, ये चारों स्टेटमेंट सही है, आप इनको डिटेल से पढ़ सकते हैं, हिंदी के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट 38 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, देखना एग्जाम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम नोट को देखना भूल जाते हैं और गलत कर देते हैं, इसलिए नोट को
स्पेशली आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, और नोट है या नहीं है इसका ध्यान रखना। बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल्स। ये गलत है। देखो, या तो कंप्यूटर क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगा या फिर डिजिटल को करेगा, दोनों को साथ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है अभी वर्तमान में। MCQ 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सही कौन सा है ये बताना है। वायरस के बारे में पूछा है। देखते हैं, ऑप्शन सी, वायरस इज ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको ये पता होना चाहिए कि वायरस को भी बनाया जाता है, वो एक सॉफ्टवेयर है, और उसको हटाने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर की ही जरूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीवायरस। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए, ऑप्शन देखिए क्या होगा आंसर, बताइए। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, देखो ऑप्शन ए वैसे तो सही है, लेकिन ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। बाकी जो तीन है ये सब कंप्यूटर की विशेषता है, ठीक है। कंप्यूटर सोच नहीं सकता खुद को, कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो कोई एरर नहीं होता उसमें, और कंप्यूटर का जो डाटा है वो बहुत लंबे समय तक आप उसको सेव कर सकते हो। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, ये सही है, लेकिन ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की परिभाषा पूछिए आपको। चार ऑप्शन देखिए, सोचिए क्या हो सकता है डेफिनेशन। इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्राइव एंड क्विकली प्रोसेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। ये कंप्यूटर की मीनिंग है, डेफिनेशन है। नेक्स्ट 42 पढ़िए, ऑप्शन देखिए क्या होगा आंसर। देखते हैं राइट आंसर। ऑप्शन ए, IBM। देखो, इंडस्ट्री के अंदर जो कंप्यूटर का यूज किया जाता है, सबसे अधिक जिस कंपनी के कंप्यूटर चलते हैं वो है IBM। मोबाइल चलते हैं एप्पल के, कंप्यूटर नहीं चलते हैं, वो भी पर्सनल यूज में चलते हैं। इन्फोसिस के क्या चलते हैं, सॉफ्टवेयर चलते हैं, कंप्यूटर नहीं चलते हैं। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू मेन मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी शब्द मुख्य मेमोरी से सबसे अधिक निकट है। देखिए ऑप्शन को, बताइए। इसका राइट आंसर होगा टेम्प्ररी। टेम्प्ररी यूज, टेम्प्ररी जो वर्ड है इसका बहुत यूज किया जाता है। जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, रैम वगैरह, वो टेम्प्ररी मेमोरी होती है, यानी लंबे टाइम के लिए उसमें सेव नहीं होता है। जब तक आप उसको यूज करते हो तभी तक सेव होता है, जैसे ही आप बंद करोगे तुरंत डिलीट हो जाएगा। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। जो कंप्यूटर की, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो चिप्स होती है वो किससे बनाई जाती है। देखिए ऑप्शन को, बताइए क्या होगा आंसर। सेमीकंडक्टर, जो चिप्स होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, वो सेमीकंडक्टर के माध्यम से उसको बनाया जाता है। ये फोटो है चिप्स की, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो चिप होती है वो उसकी फोटो है। ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ये सभी सेमीकंडक्टर है।
45 ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू डायरेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर के कामकाज को निर्देशित करने के लिए निर्देशों के समूह को कहा जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा सी, प्रोग्राम। प्रोग्राम कहा जाता है उसको जो एक सिग्नल्स का कम्बिनेशन होता है और कंप्यूटर को क्या काम करना है कमांड मिलने पे, या उसका प्रोग्राम में जो सिग्नल है वही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू 46, द मेन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक है, ये मैंने बता चुका हूँ आपको। ऑप्शन बी, जो फर्स्ट के सेकंड के ये जो कंप्यूटर है जनरेशन के, वहाँ पे वैक्यूम टू वॉल वगैरह ये सब यूज किया जाता है। 47, फोरटेन इज द एक्रोनियम फॉर, फोरटेन किसका शॉर्ट नेम है, फाइल ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फ्लॉपी ट्रांसलेशन, बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन सी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन का शॉर्ट नेम है फोरट्रेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन का शॉर्ट नेम फोरटेन है और इसको डिजाइन किया है जॉन बक्स ने। 48, इन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर में क्या चीज़ होती है, ऑप्शन देख के बताइए। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, जो एनालॉग कंप्यूटर है ये कभी भी जो सिग्नल्स है उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, ये इसकी विशेषता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें डाटा बहुत ही फास्टली मूव होते हैं, कंटिन्यूसली डाटा चेंज होता रहता है, ठीक है, इनकी प्रोसेस बहुत फास्ट होती है और जो वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड इनको कैलकुलेट करने के लिए लगभग जनरली एनालॉग कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है, मेनली यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट 49, ए हाइब्रिड कंप्यूटर, देखो हाइब्रिड किसको कहते हैं, जब कोई चीज़ दो चीज़ों से मिलकर बनी हो, दोनों की जो बेस्ट क्वालिटी है, जो बेस्ट फीचर है उनको मिलाकर जो बनाते हैं उसको हाइब्रिड कहते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हो गया, एनालॉग और डिजिटल इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो हाइब्रिड कहलाएगा। देखते हैं इसका क्या होगा ऑप्शन सी, रिसेंबल बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, दोनों को मिला के जो बनेगा वो हाइब्रिड कहलाएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों के कम्बिनेशन से इसको बनाते हैं। आपको पता है एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है, तो वहाँ से इसकी स्पीड ले लिया, और जो डिजिटल होते हैं उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है तो वहाँ से एक्यूरेसी ले ली, इन दोनों को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर बना दिया। ये किसी स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं, हमारे को ये नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे ICU, रिसर्च, स्पेस एजेंसियाँ, यहाँ पर ये काम आते हैं। लास्ट MCQ हमारा है 50, इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देशों को निष्पादित किया जाता है। चार ऑप्शन है, देखिए अच्छे से बताइए क्या हो सकता है आंसर। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, बोथ सिक्वेंशियली एंड पैरेलली, जो लेटेस्ट जनरेशन के कंप्यूटर है वहाँ पे सिग्नल्स जो इंस्ट्रक्शन है वो क्रमिक और समान दोनों रूप से दिए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं। आप सभी को धन्यवाद मेरा लेक्चर देखने के लिए, अगर कोई भी इम्प्रूव करना हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।